अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरण नित्यं महापातक नाशिनी। रात गहरी थी, मानव विहीन घना जंगल था। कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ अनजाने भविष्य के भंवर में फंसी अपनी संतानों के भविष्य की कल्पना में डूबी थी। भीम को छोड़कर सभी थकान से चूर थे, उन्हें जोर की प्यास भी लगी थी। माता और भाइयों की स्थिति देखकर भीम बड़े दुखी हुए और जल का कोई स्रोत ढूंढने लगे, लेकिन उस निर्जन क्षेत्र में जल की कोई संभावना नहीं थी। तो एक पेड़ पर चढ़कर दूर दूर तक देखा तो कुछ दूर आकाश में पंछी उड़ते हुए दिखाई पड़े। वहां जल की संभावना मानकर पेड़ से उतरे और उस ओर चल पड़े। संयोग से वहां पानी मिला। हाथ मुंह धोकर अंगोछा भिगोकर भाइयों के पास लौटे। कोई बर्तन तो था नहीं, तो अंगोछे को ही भिगोकर जल लाए थे। पास आए तो देखा कि चारों भाई थकावट के कारण घोर निद्रा में थे। उन्हें न जगाकर बैठे हुए उनकी रखवाली करने लगे। तभी उन्हें एक राक्षसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं इड़िबा हूँ, ये वन प्रदेश मेरा है, यहाँ कोई मानव नहीं आता। यदि भूल से आ गया तो हम उसे मारकर खा जाते हैं। तू है कौन, कहाँ है, सम्मुखा। अरे रे, ये तो बहुत रूपवान है, इसके पास इस रूप में नहीं जा सकती। मैं अभी माया की शक्ति से अपना रूप बदल लेती हूँ। लो, आ गई सम्मुख, तुम तो कोई राजकुमार लगते हो। मैं जो भी हूँ, तू क्या चाहती है, शीघ्र बता वरना अनर्थ हो जाएगा। अपने आप पर इतना भरोसा, ऐसा रूपवान और बलशाली पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं। अरे तू चाहती क्या है। देखो राजकुमार, मुझे मेरे भाई हिडिंब ने तुम्हें मार कर लाने के लिए कहा था, लेकिन इतने रूपवान पुरुषों को देखकर मुझे दया आ गई। सच कहती हूँ, मैं तुम्हारे रूप और बल पर मोहित हूँ। ऐसे मनुष्य मैंने कभी देखे ही नहीं। तुम तो सुंदर हो, राक्षसी तो नहीं लगती। तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, करोगे मुझसे विवाह। कर सकता हूँ, पर माँ से पूछना होगा। वो तो ठीक है, पर मेरे साथ एक समस्या है कुमार। मेरे साथ मेरा भाई हिडिंब रहता है, वह बड़ा क्रूर और मनुष्य भक्षी है। उसने देख लिया तो तुम्हें तो मारेगा ही, मुझे भी मार डालेगा। उसने मुझे तुम लोगों को मारने के लिए ही भेजा था। तुम घबराओ मत, मैं अपनी माता और भैया को समझा लूंगा। तुम भी ना डरो, तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ गया तेरा भाई हिडिंब, तुमने इतनी देर क्यों की, बोल बोल नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। रुक जा हिडिंब, छोड़ दे इसका हाथ। तू मुझे रोकेगा, हिडिंब को रोकेगा तू। हिडिंब और भीमसेन के बीच भयंकर घमासान होने लगा। शोरगुल सुनकर माता कुंती और चारों भाइयों की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि भीम राक्षस के पैर पकड़कर चारों ओर घुमा रहे हैं, उसे जोर जोर से भूमि पर पटक रहे हैं। माता कुंती भागती हुई भीम के पास आई। बस करो भीम, रुक जा, छोड़ दो उसे। ये मर गया माँ, अभी तो मैंने इस पर अपनी गदा भी नहीं चलाई। पर इसका दोष क्या था भीम? ये नरभक्षी राक्षस है, हमें अपना आहार बनाने आया था। ये उसकी बहन है हिडिंबा। मेरा कोई दोष नहीं माता, मैं आपके पुत्र से विवाह करने आई हूँ। आप आज्ञा दें, यदि आपके पुत्र से विवाह नहीं हुआ तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। माता कुंती का कोमल मन द्रवित हुआ, हिडिंबा पर दया आ गई। पल भर विचार किया और भीम को हिडिंबा से विवाह कर लेने की आज्ञा दे दी। ये जानते हुए आज्ञा दे दी कि वो मानव भक्षी राक्षसी है। कुंती थी ही ऐसी करुणा की मूर्ति। भीम और हिडिंबा में विवाह हुआ। दोनों ने राक्षस की गुफा में कुछ दिन बिताए।
उनका घटोत्कच नामक एक बड़ा वीर पुत्र हुआ। फिर भीम हिडिंबा से विदा लेकर माता कुंती के साथ अनजाने रास्ते पर चल दिए, जहां अपना कोई नहीं था। उधर कौरवों को कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने मान लिया कि उनके रास्ते के कांटे हट गए। पांडव कई नगरों, नदी, पहाड़, वन और मनोहर दृश्यों को पार करते हुए एक चक्र नामक एक नगरी में पहुंचे। तो क्या हुआ इस नगरी में? कुंती के साथ पांडव कहां ठहरे? सुनते रहें पंचकन्याओं में से एक कुंती की कथा, सिर्फ ऑडिटेल्स पर।